जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। अब आप हमारे सभी कार्यक्रम चंदन दीवाना चैनल के माध्यम से देख सकेंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इन कार्यक्रमों को जरूर देखें। परियों की रानी बढ़िया क्या बात है। हेलो 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 हेलो। अरे अंबर से आई है परियों की रानी, ओ देख से होती है दिल में रानी। ओ या सुंदर सा मुखड़ा है परियों के जैसा, दीवाना दुनिया में वो ही ऐसा। जय हो कितना प्यारा ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया। जी करे देखता रहूं, जी करे देखता रहूं, लपेटता रहूं। हाँ जी करे। हेलो हेलो दादा, इसमें क्या बेस क्यों डाल देते? हेलो हेलो बेस बंद कर दो। हेलो पीछे आइए। और ये कटपीस की फरमाइश आ रही है, नाक का नगीना देखा, पान का पुदीना देखा, ये कहाँ है? और क्या, बहुत देर से आ रही है, आइए। अरे नाक का नगीना देखा, पान का पुदीना देखा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कमीना देखा, चांद ने चिटर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिले गिले अखा। मेरी बात तेरी बात ज्यादा बात बुरी बात, थाली में कटोरा लेके आलू भात पूरी भात, मेरे पीछे किसी ने पीट किया तो सारा मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। इसमें चोर कोई छुपा है देखना जानना, इसमें क्या भला क्या बुरा है फर्क पहचानना। अरे जो पकड़ के खड़ा है कंबम सोचना जानना। अरे बदतमीज दिल माने ना माने ना माने ना माने ना, बदतमीज दिल माने ना माने। हमारे भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जनता का प्यार मिलता रहे, हार जीत तो क्या मतलब यार, और क्या दोबारा क्या मतलब हार हार जीत पीत क्या मतलब भैया। आइए सुनिए। अरे नाक का नगीना देखा, पान का पुदीना देखा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कमीना देखा, चांद ने चिटर होके सीट किया तो साला तेरे बोले मारा मारा मुक्का। अब सुनिए दीदी, धुन समझ गई होगी, अब खंड गीत को सुनिए। गीत को समझना, जब हनुमान जी छोटे थे तो ऋषि मुनियों की लंगोटी को लेकर भाग जाते थे, वृक्षों पर टांग दिया करते थे, क्योंकि बालक बुद्धि होती कैसी है। हाँ वो बालक भी है और दोनों एक ट्विन बन। जब हनुमान जी लेके चले जाते हैं तो आज ऋषि मुनि गुस्से में आकर बालक से कह रहे हैं, ना कि हनुमान जी से, ना बालक समझकर हनुमान जी से कह रहे हैं क्या। अरे वीर महावीर देखे बड़े रणधीर, देखे बड़े ही अधीर, देखे बड़े गंभीर, देखे ऐसा रही ढीठ बाल, बालों में उबाल से ऋषियों के छोड़ाए छक्के। और
मारे हाथ मारे लात माने नहीं कोई बात पूछ में लपेटा दे घुमा दे जो चक्रवात ऋषियों को उठा के यू बना दे से समीर में तो की जिनके पीछे मारा धक्का। ऋषि लोग कह रहे हैं ये कहीं धक्का मार देता है कहीं कपड़े लेके भाग जाता है इसको तमीज नहीं है इसमें तमीज नाम की चीज नहीं है अभी इसमें अकल नहीं है अकल नहीं है। तो आज ऋषि बोले अरे चढ़ रही गर्व की ये सुना है किसी की मानना तो क्या भला क्या बुरा है फर्क पहचानना कल भूल के खड़ा है निकम्मा सुधरना जाना पल भूल के खड़ा है निकम्मा सुधरना जाने ना। और दीदी मैं हनुमान जी को बदतमीज नहीं कह रहा हूँ अरे बेतमीज ये वो जैसे माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं वैसे ही अरे बेतमीज ये माने ना माने ना माने ना अरे बेतमीज ये बढ़िया है बढ़िया कट पीस का जवाब बढ़िया दिया उसके लिए भी हम कुछ नहीं कहेंगे बस अच्छा है। अब जब भाई कह दिया तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि इसको निभाना तो पड़ेगा ही बिल्कुल सही है। बार बार हमारी बहन के लिए तालियां बजा दीजिए हमारी बहन के लिए तालियां बजा दीजिए। चंदन भैया अगर ये आपको सुनने के लिए आए हैं तो फिर कल्पना द्विवेदी को भी सुनने के लिए आए हैं बिल्कुल। अगर कल्पना द्विवेदी की बात अच्छी लगेगी तो बजाएंगे चंदन दीवाने जी की बात अच्छी लगेगी तो बजाएंगे वो तो कहने से हम लोग तालियां बजवाते रहे उससे कोई हासिल नहीं होना है कुछ ना बेटा। इससे हम आप पर एहसान आप हम पर एहसान करें इससे कुछ नहीं होना है। चंदन भैया मैंने पहले ही कह दिया है कि जवाबी जवाब पर ज्यादा विशेष ध्यान होना चाहिए बस बेटे। अब देखिए आपका कटपीस आया है कौन सा मेरे कटपीस का तो आपने जवाब बढ़िया दिया ही है स्वरूप नखा का दोष क्या ठीक है कि पान में पुदीना देखा नाक का लगे ना देखा चिकनी चमेली दिखी चिकनी ना कमी ने देखा चांद ने चिकन होकर चीट किया तो तारे बोले गिली गिली अक्का पसंद है जिसको जो पसंद है वो गाता है अच्छा कटपीस आया है बहुत अच्छा कि पान में पुदीना देखा नाक का नगीना देखा चिकनी चमेली देखी चिकना कमीने देखा चांद ने देखो ये चीट गया तो तारे बोले गिली गिली अक्का Thank you.
अपनी जगह, ये अपनी जगह, प्रेम अपनी जगह, लेकिन ईमानदारी से निवेदन करियो आप खुद और ये श्रोता बंधुओं से निवेदन करियो आप, बताइए इस कट पीस में इतने के अलावा बेतमीज तू बेतमीज ये माने ना माने ना, इसके अलावा कौन सा शब्द याद है आपको? कुछ कुछ है आप? बस यही कहते कि ऐसा गाओ, हम गाए या आप गाओ, लोगों के जहन में उतर जा जाए। आपने देखा है हनुमान जी के लिए बेतमीज ये बेतमीज तू माने ना, ठीक है अच्छा है। देखिए रावण को सबने समझाया, हाँ सबने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, मारीच ने समझाया, कालनेम ने समझाया, बहुत लोगों ने समझाया, हाँ कुछ लोग यहाँ से भी गए थे, लेकिन रावण एक नहीं मान रहा है। हनुमान जी गए, हनुमान जी भी समझा रहे हैं, किसी ने शंकर भगवान से कहा तुमने क्यों नहीं समझाया, शंकर जी बोले हास्य में कारण है हमारा चेला हमसे आगे निकल गया, ये चेला आगे निकल गया हमसे, गुरु गुरु ही रहेगा चेला शक्कर हो, कैसे अरे कैसे क्या देख नहीं रहे हो, शंकर जी हास्य कर रहे हैं हमारे पांच शीश है हम पंचानन है और हमारो चेला दसानन है, हमारे तीन तीन नेत्र पच पंद्रह ही नेत्र है, हमारे चेला के बीस नेत्र हैं, और एक बात है जितने लोग हमारे चेला को समझाते हैं वो उसको समझते नहीं है, और हम उसको समझते हैं इसलिए समझाते नहीं है क्योंकि हमारा चेला किसी की समझता ही नहीं है। लेकिन हनुमान जी कहे, हनुमान जी करे हम समझाएंगे क्योंकि शंकर जगत गुरु और कृपा करहु गुरुदेव बिनाई, और गुरु का कर्तव्य होता है कि जब कोई भटकने लगे तो उसको सीधे रास्ते पर ले आना चाहिए। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। फिर हनुमान जी कह रहे वैसे तो तू ठीक है, वैसे तो ठीक है लेकिन तेरा दिल खराब है, ये दिल तो पागल है, दिल सही कर ले बस तू सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? बोले राम चरण पंकज उर धरहु, निवेदन करियो जनता जनार्दन से जरा जवाब सुनेगा। रावण बोला ए बंदर, ए बंदर कहे लंकेश कबंत कीसा मुझे सिखाने आया, तेरे जैसे कितने मुझे सिखाने वाले आए और चले गए, तू मुझे सिखाएगा? इतने लोग बैठे किसी ने नहीं सिखाया, तू मुझे सिखाएगा? तू इतने बैठे दरबार में सब मुझे शीश झुकाते हैं प्रणाम करते हो, तू मुझे सिखाने आया है? हनुमान जी बोले हाँ, क्यों? क्योंकि कैमरा दो तरह के होते हैं, एक कैमरा होता है जो फोटो खींच रहा, अंदर तुम्हारे क्या गड़बड़ी उसे कोई मतलब नहीं, प्लीज स्माइल बस मुस्कुराओ फोटो बढ़िया आ जाएगी, अंदर कितनी तकलीफ है कोई मालूम ही नहीं है। हाँ, आप कैमरे की नजर में हैं। लेकिन दूसरा कैमरा भी होता है, आप बाहर से चाहे जितने सुंदर बने रहो उसे कोई मतलब नहीं, एक्सरा लेगा फोटो खींचेगा और बता देगा तुम्हारे अंदर गड़बड़ी कहाँ है। बिल्कुल समझो, तो हम बाहर का नहीं हम अंदर का देख रहे हैं, तुम्हारा दिल खराब है इसको सही कर लो। बिल्कुल कि लगता गुमानी तू बड़ा अभिमानी तू बनता है ज्ञानी तू करे नादानी तू सुन करे लगे मुझे धक्का, लगे मुझे धक्का।
ये छोटा सा मेरी ओर से आपको उस टुकड़े का जवाब रहा है। एक बहुत बढ़िया गीत और आया है।